इनके बड़े सारे टैलेंट है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पहले, तो ये दिखाइए। सुमिदा होले के पपाया उमा होते के लाकते चुचु चुचु पपपा मेदो हाथे लाक शुभ माया है ना पोपो कौन के दे कौन के दे कौन के दे कौन के दे दोनों को एक दूसरे की बातें बड़ी समझ में आ रही है। ये आपकी नजर कहीं तुषार कपूर के रोल पे तो नहीं है? आपकी भी कुछ फोटोग्राफ है पाजी हमारे पास, आपको दिखाना चाहते हैं। रणवीर और भी हैं। नेक्स्ट, ये मतलब सफर करना जरूरी है। नेक्स्ट। ओह नाइस, नाइस, वाह। नेक्स्ट, मैं एक एक कॉमन चीज देखी, एक फोटो को छोड़ के बाकी सब में आपने कपड़े नहीं पहने हुए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप ही ने डाले कि आपकी लीक हो गई है? नहीं, घर पे नॉर्मली मैं टी शर्ट नहीं पहनता। मैं अगर हमें क्या पता आपने इतनी इतनी डाली है। अरे कुणाल की हमने एक और वीडियो देखी जिसमें अपनी बेटी के गिटार के साथ ना गाना गा रहे हैं ये, तो ये हमें बड़ा खुशी हुई ये जानकर। ये टैलेंट हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये टैलेंट भी आज दिखाई दे रहा। थैंक यू। आइए, साइंटिस्ट आ रहे हैं आपको गिटार देने। मतलब सारे ये मल्टी टैलेंटेड है। सैफ सर भी देखो तो वो भी गिटार विटार बड़ी अच्छी बजाते हैं। प्लेज द गिटार सो वेल। यार वो सूटकेस मंगा दो, उसके बगैर नहीं गा पाऊंगा मैं। हैं? आजकल मैं सिर्फ उसके लिए गाने गाता हूँ। सूटकेस और सारे रोमांटिक गानों का एक अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। ओह, आपको पता ना उस बैग के अंदर क्या था? पैसे बस। हैं अभी के नहीं? अब ये तो देखते कौन सा आ रहा है। क्या नाम रखा है सूटकेस का? आनंद पेटीकर है, तो आनंद पेटीकर नाम रखा है, लेकिन हमारा प्यार है अलग। अरे हट रहे, क्या हो गया अभी? ये क्या, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे क्या अच्छा नहीं किया, बाल आ गए, दाढ़ी आ गई, और क्या चाहिए तेरे को? मैं इसके पास वैक्स करवाने आई थी। आई थी मतलब? हाँ, मैं मोंटी नहीं, सुजाता हूँ, सुजाता। और इसने मुझे लड़की से लड़का बना दिया। अरे शुक्र माना तू लड़की से लड़का बनी है, वरना यहाँ पर लोग लड़के से ऐसा लड़की बनाते ना, कितनी प्रॉब्लम होती है मालूम है? क्यों अर्चना जी? मैं कृष्णा की बात कर रही हूँ। खैर अभी गेस्ट लोग आए, बात कर। हेलो बोल। हेलो 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 बोल। आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा। आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, अच्छा लगा। चंदा मांग रहे के? खुल के बोल, इतने बड़े शो पे आए, बड़े बड़े लोग है, खुल के बोल, पिक्चर देखी अच्छा लगा? मैंने आपकी लूट केस मूवी देखी। क्या कमाल की मूवी है सर, मतलब मैंने ब्लैक में टिकट लेके देखी। जब लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, मजा आ गया सर। थिएटर में देखी आपने? पॉपकॉर्न भी खाया था। गेड़ा बनाता है, गेड़ा बनाता है, भाग इधर से। चार लाइन बोलने को नहीं आता, बोलता थिएटर के एक्टर है, थिएटर के पास से गुजरे क्या कभी? लेकिन ये तो मजाक था, लूट केस के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, मस्त पिक्चर है। हाय। हेलो, हाउ गुड यू? कैसे आप लोग, अच्छा लगा आप लोग आए? अच्छा लगा। और कुणाल जी सब खेमू खेमू? और ऐसी कैसी सब दुगल दुगल? घर पे सब सैनिटाइज? वेरी नाइस। रणवीर जी आपके नाम का मैं बना नहीं पाई, सॉरी सॉरी। अरे बन गया, सॉरी सॉरी बन गया। वेरी नाइस, सपना शाबाश, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। खैर रसिका जी मैम बहुत अच्छा, आपको उस पे टीवी में वॉच यू, आपका वेब सीरीज देखा बहुत अच्छा लगा, वो भरतपुर के आगे कौन? हाँ मिर्जा। बहुत अच्छा लगा।
अच्छा मेरे को आपको पूछने का था, एक सवाल था मेरे। जब आप ऐसा गाड़ी में जाते अकेले रहते है और आप ऐसे रास्ता भटक जाए तो आप गूगल करती हैं कि दुगल करती हैं? खैर एक बार रणवीर जी बहुत मस्त आर्टिस्ट हैं, इनके लिए जोर जोर ताली हो जाए। बहुत हैंडसम लग रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है तो अच्छा लगता है ना। मैंने सोचा आज बोली देती है, क्या झूठ बोल के किसी को दो मिनट की खुशी मिलती है, बोल देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। पर जो भी है सपना, तू जब भी आती है ना मजा आ जाता है। थैंक यू कप्पू। किसी को बोल के अगर खुशी मिलती है तो झूठ बोलने में क्या जाता है? तेरे को तो मैं रिपीट टेलीकास्ट में देख लूंगी। रिपीट में तो पैसे भी नहीं मिलेंगे तेरे को। खैर रणवीर जी आप मेट्रो में थे ना? मेट्रो पार्क। हाँ हाँ मेट्रो। हाँ अच्छा रेट्रो में नहीं थे, वरना आपको कल में भी इतनी बड़ी बड़ी करनी पड़ती। नहीं नहीं मैं उनके खुल्ले दामलों की बातचीत होती रहती है। अच्छा। ऐसा रात को कभी कभी मेरे को फोन करते है। हाँ। और ऐसी ऐसी बातें करते मैं बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है ना, पता नहीं चलता क्या बोल रही है, बता नहीं सकती मैं। आपने मस्त कॉमेडी शो में भी बहुत आए लेना टीवी पे। हाँ। तो खुल के हंसो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये मतलब आपको तो पता रहता है कितना मेहनत लगता है। हाँ देखो ये होता है। संडे क्या कर रहे हैं आप बताइए, फ्री हैं आप संडे को? फ्री हूँ। हाँ तो प्लीज जरा हमारे शो का पब्लिसिटी करिए ना, बोलिए कपिल शर्मा शो चालू हो गया, पड़ोसियों को बोलिए, फैमिली को दिखाइए ना प्लीज। मुझे बोलने की क्या जरूरत है, दुनिया वेट करती है। नहीं नहीं लेकिन मेरा एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट था, अगर आप 11 लोगों को मैसेज भेजेंगे ना कपिल शर्मा शो चालू हो गया है तो शाम तक आपको गुड न्यूज मिलेगी। क्या? कि कृष्णा ने एक और गाड़ी खरीद ली है। और इसने एक बंगला। इनका भी मस्त उधर मडेन में एक एक चाल खरीदती है एक एक एपिसोड। फिर मैं इधर आई लिए मस्त, हम लोग का छावा, हम लोग काम रहता है, नाला सुपारा में रहते हैं हम लोग, हमारा डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो हम लोग अभी भोजपुरी पिक्चर भी चालू किए बनाना, तो हम सोच रहे एक मस्त आपको लेके भोजपुरी पिक्चर बनाए। हमने मस्त सब्जेक्ट एकदम फाइनल कर दिया है। कौन सी फिल्म बनाई है? चोट लगी हड्डी पे, सैयाजी घूमे चड्डी पे। चोट यहाँ लगी तो चड्डी में क्यों घूम रहा है? क्योंकि इधर चड्डी नहीं पहन सकते ना। खैर आपके लिए भी एक मस्त हमारे पास एक सब्जेक्ट है। कौन सा? भाऊजी भरे टैक्स। हाँ। भैया जी करे रिलैक्स। लेकिन पानी में आपको बताऊं, इसकी कोई फिल्म में काम ना करना, ये मोबाइल से शूट करती है। मोबाइल से? हाँ तो इतिहास गवाह है, मोबाइल पे जितने वीडियो बने सब वायरल हुए ले। मैं तो छुप छुप के भी देखती है उसमें क्या हो गया। ये लास्ट टाइम भी आए थे ना कुणाल, मेरे को बहुत अच्छा लगे ले है। अच्छे हैं तो अच्छे लगे। अच्छे ले, मेरा एंगेजमेंट करवाना। वो तेरा दिमाग खराब है, शादीशुदा है वो। हाँ तो सिर्फ एंगेजमेंट करना है, शादी तो मैं मुकेश के साथ करेगी। तू यहाँ पे शादी करने आई आज? नहीं मैं इनको मसाज देने के लिए आई है। मसाज? वी है मसाज पार्लर यार। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आप लोग के लिए स्पेशल, क्योंकि आपका मस्त पिक्चर आया ओटीटी पे। हाँ। ओटीटी मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं। अच्छा। फिर उसको रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं। क्यों? हाँ, वो सबके बीच में ऐसा खड़ा रहते हैं कि अभी क्या होने वाले हैं। तो मैं टीटी को ढूंढ रही थी, तो मैं दूर देखती हूँ उधर टीटी है, मैं बोलती ओ टीटी इधर आ। वो टीटी आता है। हाँ। वो कस्टमर को बोलता हो, मैं बोलती टीटी इसका मैसेज कर, तो ऐसा ओ टीटी मैसेज रहता है। हमारे पास रस्सी का मैसेज भी है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, हम लोग कस्टमर को रस्सी बांधते हैं। अच्छा। फिर तेल लेते हैं और रस्सी का मैसेज करते हैं। रस्सी का मैसेज। यही बोलता रहता, पीछे बोल देना वो बोल देना, फिर इधर मेरे को डांटता है। मैंने तो बोला था कुणाल की मसाज बनाना है। हाँ, उनके लिए है ना मेरे पास स्पेशल मसाज है, कलयुग मसाज। अच्छा, अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी होता है, कलयुग है कुछ भी हो रहा है। मेरे जाने का टाइम आ गया। कलयुग
हाँ नहीं नहीं वो आपके डायरेक्टर है ना वो कौन तिगमांशु दुलिया तिगमा हाँ उनका दुलिया देने के लिए जाने का वो जब भी मैसेज करने आते अपना दुलिया छोड़ जाते हैं हाँ मेरे को आज फोन भी आया मेरे को पूछते धोलिया धोलिया मैं बोली धोलिया तो बोले कम टू द पुलिया इससे पहले मेरा दिमाग भूलिया मैं पुलिया पे जाके उन धुलिया देकर आती हूँ बाय फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़